के अंधेरी इलाके में लगा है सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है पोस्टर में, बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ जो पोस्टर लगाए हैं विश्वबंधु राय, उनसे बात करते हैं, आखिर आपने ये पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्यों लगाया है? मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया, कैसे लाया ये आपको भी पता है, वही नारा सेम यहाँ चलने वाला। उत्तर भारत के लोग योगी जी को मानते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए हमने उनका नारा यहाँ पे भी बुलंद कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा करें? हाँ, 100% वो तो हमारी चाह है। लोगों का मैंने भावना देखा कि योगी जी का नारा यहाँ चलाओ, जब लोगों ने कहा तो मेरे ध्यान में कल में आया, इसलिए मैं सुबह इस पर लग गया। तो कहाँ कहाँ पोस्टर लगाए आपने? मैंने बांद्रा, बिंद्रा, विपक्ष के नेता, अंधेरी, जोगेश्वरी, सब जगह लगा और लगेंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं आपको टोक रहे होंगे, पूछ रहे होंगे भाई क्यों लगाया? मैं विपक्ष के लोगों को देख के नहीं, उनको मालूम है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, बांटने का राजकारण वो करते हैं। उनको मैंने जवाब दिया कि अभी भी अलर्ट हो जाओ, लोग आपको साफ कर देंगे इस इलेक्शन में। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करें? सब कैंडिडेटों की ऑलरेडी मांग डायरेक्ट सीएम जी के कार्यालय में जा रही है, पार्टी कार्यालय में आ रही है, महाराष्ट्र कार्यालय में जा रही है, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जा रही है, ऑलरेडी मांग जा रही है उनकी प्रचार करने के लिए। पब्लिक क्या डिमांड है? पब्लिक की डिमांड है योगी जी को लाइए, उत्तर भारत के लोग तो सब योगी जी को चाहते ही है, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे। ये तस्वीरें देखें, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर लगाया गया है और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, आप लोग भी यहाँ पे हैं और इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे आप इस तरह से पोस्टर लगाएं, क्या चाहते हैं आप? बहुत एक बहुत अच्छी सोच है ये, बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो फिर हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है, और ये सनातन धर्म और कि जो हमारे लोग हैं उनको ये चीज़ को सोचना चाहिए कि आप बटेंगे तो कटेंगे। और क्या चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम महाराष्ट्र मुंबई के अलग अलग इलाकों में आके प्रचार करें ज़्यादा? अरे भाई, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि योगी जी का ही शासन चलेगा और उनके ही नेतृत्व में भारत चलेगा। ये तो पूरे भारत की जनता चाहती है कि योगी मॉडल लागू हो पूरे भारत में। ये पोस्टर जो लगाया गया आप अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं, एक रहेंगे तो जन की मजबूती आएगी ना, ये जात पात में बढ़ जाएंगे तो फिर हम तो खत्म हो गए और नक्शे में गायब हो जाएंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं और लोगों का कहना है कि पोस्टर लगना चाहिए और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरा नीरज सासत्कार शर्मा, रिपब्लिक टीवी, मुंबई।